तो दोस्तों आप लोग यही सबसे बड़ी गलती कर देते हो। स्टार्टिंग में आप लोग वॉच टाइम और सब्सक्राइबर के पीछे भागने लगते हो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए किसी तरह से और मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों एक यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि हम एक यूट्यूब चैनल को अच्छे से ग्रो कर लेंगे और उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेंगे और अर्निंग कर लेंगे तो हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा, हम एक अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे, एक बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, एक यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो बातें बताने वाला हूँ आप उसको कान खोल कर सुन लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों एक यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊंगा मतलब कि बहुत जल्द 1 के मतलब 100 के सब्सक्राइबर हो जाएगा या 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो आप मतलब ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। उसके लिए आपकी मेहनत, आपकी लगन, कितना आप काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपके पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों एक यूट्यूबर बनने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर अगर आप काम कर रहे हो तो दोस्तों आप ये मत सोचो कि मैं मतलब बहुत जल्द यूट्यूबर बन जाऊँगा। आप केवल वर्क कीजिए, अपने मतलब कंटिन्यूटी वर्क कीजिए और पेशेंस रखिए और रेगुलर आप काम कीजिए। आप एक एक ना एक दिन ज़रूर यूट्यूबर बनेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आज नहीं बनेंगे तो कल, आपको एक दिन ना एक दिन आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक ना एक दिन यूट्यूबर बनना है दोस्तों। आप ज़रूर बनेंगे एक दिन ना एक दिन यूट्यूबर। और दोस्तों ऐसे में काफ़ी लोग जो नए नए क्रिएटर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो गलती कर देते हैं जिनके वजह से उनका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होता है। वो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं जिनके वजह से वो एक अच्छा यूट्यूबर नहीं बन पाते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारा 1 मिलियन मतलब सब्सक्राइबर हो जाएगा तो और हमारा अर्निंग होने लगेगा तो मैं एक अच्छा खासा यूट्यूबर बन जाऊँगा, बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा। मतलब कि दोस्तों काफ़ी लोग ये अपना करियर मान लेते हैं कि चलो मैं मतलब यूट्यूब को ही अपना करियर मान के मतलब यूट्यूब पर ही काम करूँगा और यूट्यूब से ही पैसा कमाऊँगा। बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं होता है। भले ही स्टार्टिंग में आपकी मतलब ऑडियंस आ जाए, आपके चैनल आपका चैनल ग्रो हो जाए, पैसा भी आने लगे आपके चैनल से, बट ऐसा नहीं रहता है कि आपकी लाइफ टाइम भी ऐसा होने रहेगा। यूट्यूब की कोई भरोसा नहीं है, कब आपकी व्यूज को कम कर दे, कब आपका चैनल डिलीट कर दे, कोई गारंटी नहीं। दोस्तों काफ़ी सारे आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी सारे चैनल भी डिलीट हो रहा है, तो ऐसा यूट्यूब पर कोई भरोसा नहीं रख सकते हैं कि कब क्या कर देगा, कब आपकी व्यूज डाउन कर देगा, कब आपका चैनल डिलीट कर देगा। तो यूट्यूब को आप लाइफ टाइम अर्निंग नहीं मान सकते हो। मतलब कि दोस्तों आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ केवल काम करना है। और काफ़ी लोग नए नए जो क्रिएटर हैं वो स्टार्टिंग में छोटे छोटे गलती कर देते हैं जिनके कारण वो अच्छे खासे यूट्यूबर नहीं बन रहा, मतलब कि वो एक बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाते हैं, वो यूट्यूबर बन ही नहीं पाते हैं दोस्तों। यूँ कहे तो दोस्तों वो गलती क्या करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मतलब जो न्यू क्रिएटर आते हैं, जो न्यू यूट्यूबर आते हैं, वो स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं कि वो अपना मतलब चैनल मतलब जो भी वीडियो बना रहे हैं जिस भी कैटेगरी में, तो वो ग्रो करने के लिए मतलब किसी अदर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर देते हैं। आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब पर चैनल ग्रो करने के लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर। तो काफ़ी लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहते हैं, काफ़ी सारे अदर एप्लीकेशन हो जाते हैं और काफ़ी लोग मतलब पेड देते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1 के सब्सक्राइबर, काफ़ी लोग पेड भी देते हैं। तो ये न्यू क्रिएटर स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं, वो वहाँ से खरीदने लगते हैं, एप्लीकेशन से लेने लगते हैं या किसी से खरीदने लगते हैं अपना सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम। बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भले ही पैसा दे के वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ले सकते हो दोस्तों, बट आपको उससे अर्निंग नहीं होगा। दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि मैं वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ले लूँगा और उससे अर्निंग करने लगूँगा मतलब यूट्यूब से, बट तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ले सकते हो, ये तो बड़ी बात नहीं है कि आप पैसा देकर भी ले सकते हो, बट आपका उससे चैनल ग्रो मतलब मोनेटाइज चैनल करा सकते हो, बस उससे उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों वो तो आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दे देंगे, बट वो उस पर लाइफ टाइम व्यूज नहीं दे सकते। मतलब कि जो आपका जो जेन्युइन सब्सक्राइबर रहता है वो आपकी मतलब हर एक वीडियो को वॉच करता है, हर एक वीडियो को देखता है, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होता है। और जो आप खरीदे रहते हो तो वो आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं, केवल सब्सक्राइब कर देगा और एक समय के लिए आपका वॉच टाइम पूरा करके दे देगा। अब ऐसा नहीं कि आप जब जब वीडियो अपलोड करेगा तो उसको देखेगा, उस पर व्यू जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यही सबसे बड़ी गलती कर देते हो। स्टार्टिंग में आप लोग वॉच टाइम और सब्सक्राइबर के पीछे भागने लगते हो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए किसी तरह से और मैं अर्निंग कर रहूँगा। तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज होने से आप अर्निंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए उसके लिए मेहनत करना होगा, लगन के साथ काम करना होगा, तब यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो दोस्तों यूट्यूब से। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में या कभी भी आपको पेड मतलब यूट्यूब से सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम नहीं खरीदना है। आपको अपना मेहनत से एंड लगन से आपको अपना
वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को गेन करना है। आप केवल वीडियो बनाओ, अपना काम करो यूट्यूब पर, आपको खुद एक ना एक दिन आपका वीडियो वायरल होगा और आपका भी सब्सक्राइबर आएगा, आपका भी वॉच टाइम आएगा, आपको खुद खुद एक ना एक दिन आएगा। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे यूट्यूब पर काम करना है और क्या कुछ करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।